व्हाट्सअप, दिस इज ईआर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमिट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ सिक्स क्लास का साइंस का थर्ड चैप्टर है ये, फाइबर टू फैब्रिक्स, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं। पहेली एंड बूजो वोन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज। क्या करते हैं वो, एक फर्स्ट प्राइज मिलता है उनको साइंस क्विज में, हेल्ड एट देयर स्कूल, जो उनके स्कूल में हुआ था। देयर वर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। एंड उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ, कपड़े खरीदने के लिए उन्होंने पैसे का जो भी उन्होंने जीते थे उनको कपड़े खरीदने के लिए सोचा उन्होंने, देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए। तो व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ, जब उन्होंने क्लोथ मटेरियल की लार्ज वैरायटी देखी तो दे गोट कन्फ्यूज, और वो कन्फ्यूज हो गए। द शॉप कीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो वो कहता है कि जो कुछ क्लोथ जो हैं, कुछ जो कपड़े हैं वो क्या हैं, कॉटन से बने हुए हैं, और किस किस से बने हुए हैं, सिंथेटिक से बने हुए हैं। तो ही आल्सो हैड वुलन मफलर, उसके पास वुलन मफलर भी थे और शॉल भी थे। तो देयर वर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल, मतलब उनके उसके पास सिल्क की साड़ी भी थी। तो पहेली और बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, उन्होंने बहुत उत्साहित क्या हुआ, फील हुआ उन्हें। दे टच, उन्होंने टच किया, फेल्ट महसूस किया, देर डिफरेंट फैब्रिक, जो अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स थे। फाइनली अंत में क्या हुआ, दे बोट अ वुलन मफलर, उन्होंने एक वुलन मफलर खरीद लिया एंड अ कॉटन साड़ी, और कॉटन की साड़ी खरीद ली, कॉटन मतलब सूती कपड़े की। आफ्टर देर विजिट टू द क्लोथ शॉप, जब वो क्लोथ शॉप पे गए, पहेली और बूजो बिगेन टू नोटिस, उन्होंने नोटिस किया वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे टाइप के फैब्रिक्स थे। तो दे फाउंड दैट बेडशीट थी, ब्लैंकेट थी, जो उन्होंने देखी वहाँ पे, ये क्लोथ की शॉप को दिखाया गया है फिगर नंबर 3.1 में, आप भी गए होंगे, आपने भी देखी होंगी। तो उन्होंने क्या देखा, कर्टेंस देखे, टेबल क्लोथ्स देखे, टॉवल्स देखे, डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स, जो डस्टर थे अलग अलग टाइप के फैब्रिक के बने हुए। इवन देयर स्कूल बैग, जो उनके स्कूल बैग भी थे और जो उनके गनी बैग्स थे, वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ, कुछ टाइप के जो फैब्रिक्स थे उनसे मिलकर बने हुए थे। तो दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस, उन्होंने क्या किया, इनको आइडेंटिफाई किया फैब्रिक को एज अ कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक इस तरीके से। तो कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ और फैब्रिक्स को। तो 3.1 में वैरायटी इन फैब्रिक्स, फैब्रिक्स में जो वैरायटी है उसको हम पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी वन है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, आप एक टेलरिंग शॉप पे विजिट करो और कलेक्ट करो उनकी कटिंग्स को, जो फैब्रिक वो छोड़ देते हैं स्टिचिंग करने के बाद, सिलाई करने के बाद। फील एंड टच ईच पीस, हर एक पीस को फील करो और उसके फैब्रिक को नोटिस करो। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, लेबल करो अलग अलग कि कॉटन कौन सा है, सिल्क कौन सा है, वुल कौन सा है और सिंथेटिक कौन सा है। तो आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प, हेल्प करने के पूछने के बाद टेलर से, डू यू वंडर, क्या आपको आश्चर्य होगा, व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, मतलब वो किस किस टाइप के फैब्रिक से मिलकर बने हैं। तो व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी भी फैब्रिक को देखते हो, इट सीम्स एज कंटिन्यूस पीस, ये क्या है, कंटिन्यूस पीस होता है, एक बड़ा पीस होता है। नाउ लुक एट इट्स क्लोजली, इसको ध्यान से देखो, व्हाट डू यू नोटिस, तुम क्या नोटिस करोगे, फिगर नंबर 3.2 में देखना। एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन, कॉटन का एक पीस लेना है फैब्रिक का, यू लेबल इन एक्टिविटी, जो कि एक्टिविटी 1 में लेबल करना है। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट लूज थ्रेड, आप इसमें देखोगे लूज थ्रेड को और यार्न को एट वन ऑफ द एज, किसी भी एज पर, और उसको पुल आउट करो, खींचो। इफ़ नो लूज, अगर वो लूज नहीं होता है, देखो डायग्राम में दिखा रखा है, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, फैब्रिक से थ्रेड को निकाल के दिखा रखा है, तो जो यार्न होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। यू कैन जेंटली पुल कर सकते हो उनको, वन आउट विद अ पिन से कर सकते हो या फिर निडल से कर सकते हो। तो वी फाइंड दैट, हम देखते हैं कि एक फैब्रिक जो होता है वो बना होता है यार्न से, अरेंज टुगेदर, जो एक साथ अरेंज होते हैं। वट आर दीज यार्न मेड अप, ये जो यार्न है वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो 3.2 फाइबर। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न, आप एक ने एक यार्न को लेना है फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन, कॉटन फैब्रिक से, और प्लेस कर लेना है दिस पीस ऑफ यार्न को टेबल पर। नाउ प्रेस करना है वन एंड को और द यार्न विद अ थंब, एक थंब से, और स्क्रैच करना है इसको, स्क्रैच करना है द अदर यार्न को, यार्न के अलग एंड को, अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ पे। तो विद योर नेल्स, अपने नेल से, जो कि फिगर नंबर 3.4 में दिखाया गया है। तो डू यू फाइंड दैट एट ईच एंड, हर एक एंड पे जो यार्न है वो स्प्लिट, टूट जाता है अप टू इनटू थिन थिन स्ट्रैंड्स में टूट जाता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ यार्न इनटू अ थिन स्ट्रैंड में दिखा रखा है।
आगे यार्न स्प्लिट हो जाता है इनटू थिन स्ट्रैंड्स में। अब क्या होता है, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व क्या होगा कुछ समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल, जैसे आपने नीडल से थ्रेड को निकाला होगा उसी तरीके से आपने ऑब्जर्व किया होगा मैनी अ टाइम कई बार, तो जो एंड है थ्रेड का वो सेपरेट हो जाता है फ्यू थिन स्ट्रैंड्स में और भी छोटे स्ट्रैंड्स के अंदर, तो दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई, जो हमारी आई नीडल है उसके अंदर पास नहीं हो पाता। तो द थिन स्ट्रैंड जो होता है स्ट्रैंड का, थ्रेड का जो स्ट्रैंड होता है दैट वी सी जो हम देखते हैं आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं फाइबर्स। तो फैब्रिक्स जो होते हैं वो बने होते हैं यार्न से, एंड यार्न जो होते हैं फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर से मिलकर बने होते हैं। तो वाई डू दीज फाइबर कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, तो द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन जूट सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, की ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये प्लांट से और एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर, ठीक है। कॉटन एंड जूट जो होता है एग्जाम्पल है फाइबर का जो कि प्राप्त होता है प्लांट से, वुल और जो सिल्क है वो फाइबर है जो प्राप्त होता है एनिमल से। तो वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फिल्स ऑफ शिप और गोट, मतलब जो उसकी स्किन होती है सिल्क शिप की और गोट की उसके ऊपर पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन, ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द हेयर, जो रेबिट के हेयर होते हैं, याक के और जो कैमल होते हैं इनके हेयर से भी होता है। तो सिल्क फाइबर जो होता है वो ड्रोन किया जाता है फ्रॉम द ककून, जो सिल्क वॉर्म होता है ककून से। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल जो फाइबर है उसको क्या किया जाता है, फॉर द ओनली, सिर्फ यही था जो अवेलेबल था मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स को बनाने के लिए। इन द लास्ट हंड्रेड ईयर, लास्ट हंड्रेड ईयर में तो जो फाइबर्स है आर ऑल्सो मेड अप ऑफ केमिकल से मिलकर बने होते हैं, केमिकल से भी मिलकर बने होते हैं। अब बूजो पूछता है, बूजो हैज सीन इन द म्यूजियम में, उसने देखा था कुछ आइटम देखे थे जो कि फिगर में दिखाया गया है, दीज वर वॉर्न बाय द वॉरियर्स, ये वॉरियर के द्वारा बनाए गए थे। ही वॉन्ट टू नो, वो जानना चाहता था दीज आर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ, क्या वो भी कुछ ही फाइबर से मिलकर बने हैं। सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन, जो ऑब्टेन नहीं होते प्लांट और एनिमल से सोर्स से, तो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। कुछ एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक फाइबर के, जैसे पोलिएस्टर, नायलोन, एक्रेलिक, ठीक है। तो 3.3 सम प्लांट फाइबर, तो कॉटन सबसे पहले पढ़ते हैं। हैव यू एवर मेड विक फॉर ऑयल लैम्प, क्या आपने ऑयल लैम्प के लिए विक्स बनाई है, जो बत्ती होती है वो। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स, इनको बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, तो दिस कॉटन वुल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग, मैट्रेस के लिए भी ये यूज़ होता है, क्विल्ट और पिलो के लिए भी ये यूज़ होता है। तो टेक सम कॉटन वुल, कुछ कॉटन वुल को लेना है, पुल करना है इसको अपार्ट, एंड लुक एट इट्स एज, इसकी एज को देखना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो द स्मेल, जो स्मॉल और थिन जो स्ट्रैंड है दैट यू सी इसके अंदर जो है कॉटन के अंदर, फाइबर के अंदर, मेड अप ऑफ क्या है, कॉटन फाइबर से मिलकर बनी होती है। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम, ये कहाँ से आती है, तो इट इज़ जनरली इन द फील्ड्स में आती है, खेत में से आती है। कॉटन जो प्लांट होता है यूजली उगाया जाता है एट प्लेस हैविंग ब्लैक सोइल, जहाँ पे काली मिट्टी होती है और गर्म क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट होता है। तो कैन यू नेम सम स्टेट, क्या आप कुछ स्टेट का बता सकते हो ऑफ अवर कंट्री, हमारी कंट्री की, वेयर कॉटन इज ग्रोन, जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। तो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन के साइज के होते हैं वो, आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो द बॉल्स जो ब्रस्ट हो जाते हैं ओपन, एंड जो सीड होता है कवर जो होता है विद अ कॉटन फाइबर कैन बी उसको देखा जा सकता है। तो हैव यू एवर, ये दिखा रखा है फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, तो हैव यू एवर सीन अ कॉटन, क्या आपने कॉटन फील्ड देखा है दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, जो कि पिकिंग के लिए रेडी होता है। तो इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, किस तरह की दिखाई देता है ये जो फील्ड होता है। तो फ्रॉम दिस बोल्स कॉटन इज यूजली निकाला जाता है हैंड से, जो फाइबर होता है आर देन उनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द सीड से बाय कम कॉम्बिंग, उनको कॉम्बिंग करके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, इसको गिनिंग बोलते हैं, कॉटन गिनिंग ऑफ कॉटन। तो गिनिंग होती है वाज ट्रेडिशनली यूज किया जाता है बाय द हैंड, हार्ड हाथ के द्वारा, और दिस डेज आजकल क्या होते हैं मशीन्स आती हैं आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग करने के लिए। तो गिनिंग ऑफ कॉटन दिखा रखा है डायग्राम के अंदर। जूट क्या होता है, तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम, जो स्टीम होती है और जूट प्लांट की, उससे जूट फाइबर बनाया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड, इसको उगाया जाता है ड्यूरिंग रेनिंग सीजन में इंडिया के अंदर। तो जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है जूट।
तो जो जूट प्लांट होता है इज नॉर्मली इसको हार्वेस्ट किया जाता है व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज में, जब वो ये होता है। तो जो स्टेम होती है, द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज, इनको इमर्ज किया जाता है वाटर के अंदर फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर, और द स्टेम रोट एंड फाइबर आर उनको अलग कर लिया जाता है हाथों से। एक जूट प्लांट दिखा रखा है। मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, कॉटन से यार्न करके दिखा रखा है, डायग्राम में दिखा रखा है। टू मेक फैब्रिक, फैब्रिक को बनाने के लिए ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्ट कर दिया जाता है इनको यार्न में। और हाउ इट इज़ डन, ये कैसे होता है? तो 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न, कॉटन यार्न की स्पिनिंग करना। तो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न यूज कर, तुम खुद से बना सकते हो। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वुल, कॉटन वुल को लेना है एक हाथ में और पिंच करना है सम कॉटन बिटवीन द थंब के बीच में और फोर फिंगर के बीच में ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है खींचना, पुलिंग आउट द कॉटन, कॉटन को। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्ट करते जाओगे इसको फाइबर को, तो आर यू एबल टू मेक, आप यार्न बना पाओगे। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, उसको बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन, जो कॉटन का मास है वुल का, वो ड्रोन आउट किया जाता है और ट्विस्ट किया जाता है। तो दिस ब्रिंग्स, क्या हो जाता है, इससे फाइबर टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ कर लेते हैं, एक यार्न बना देते हैं। तो एक सिंपल डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है स्पिनिंग के लिए, इज अ हैंड स्पिंडल, जिसको जो एक हैंड स्पिंडल होता है, आल्सो इसको हम तकली बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है स्पिनिंग के लिए, वो है चरखा। तो यूज ऑफ चरखा वाज अ तकली, ये दिखा रखा है डायग्राम में 3.10 में, और दिखा रखा है 3.11 में चरखा, जो कि हमारे जो नोट होते हैं, जो रुपीज़ होते हैं, उनके अंदर भी आता है गांधी जी के साथ। तो पॉपुलराइज आप जानते होंगे गांधी जी के साथ ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब हुई थी, तो ही एनकरेज, उसने लोगों को एनकरेज करने के लिए कहा कि जो क्लोथ पहनो वो क्या अपने बनाए हुए होम स्पून यार्न को पहनो। और स्पून इम्पोर्ट जो होता है क्लोथ का, मेड इन मिल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का यूज़ ना करो। तो स्पिन ऑफ यार्न, यार्न का जो स्पिन होता है ऑन अ लार्ज लंबे स्केल पर, वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन के द्वारा। तो आफ्टर स्पिनिंग, स्पिनिंग करने के बाद जो यार्न होता है उसको यूज़ किया जाता है फैब्रिक को बनाने में। तो 3.5 यार्न टू फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक। तो दीज मेकिंग, दीज क्या होता है कि दीज आर मैनी वे, देर आर मैनी वे, बहुत सारे तरीके हैं जिससे फैब्रिक को बनाया जाता है मेड फ्रॉम यार्न से। तो द टू मेन प्रोसेस जो है वीरिंग, वेविंग के और नीटिंग, ये दो तरीके हैं जिससे क्या होता है यार्न को कन्वर्ट किया जाता है फैब्रिक में। तो वीविंग क्या होता है, यानी बुनाई। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, एक फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट ऑफ यार्न, दो यार्न के सेट से मिलकर बना होता है जो अरेंज होते हैं एक साथ। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, इनको अरेंज करना, टू सेट को, यार्न को टुगेदर एक साथ मेक अ फैब्रिक, फैब्रिक बनाने के लिए, तो इसको कॉल्ड बोलते हैं वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप को वीव करते हैं। एक्टिविटी 5, टेक टू शीट्स ऑफ पेपर, पेपर की दो शीट लेनी है डिफरेंट कलर की, कट करना है स्क्वायर पीस को, लेंथ को, एंड विद, जो विद उसकी विद है इक्वल टू 20-30 सेंटीमीटर करनी है उसकी विद फ्रॉम ईच सीट, ईच सीट से। नाउ फोल्ड बोथ द सीट, दोनों सीट को क्या करना है, फोल्ड करना है इन टू हाफ्स में। ऑन द सीट ड्रॉन लाइन एज शोन इन फिगर, जो कि फिगर में दिखा रखा है उनको लाइन को ड्रॉ करके, तो ये दिखा रखा है डायग्राम ए और बी, देखो वीविंग कर रखा है पेपर स्ट्रिप की। तो फिगर 3.1 और 2 जो 12 है, एंड ऑन द अदर हैंड शोन दिखाया गया फिगर पॉइंट 3.12 बी में। तो कट बोथ द सीट, दोनों सीट को कट करके अलोंग द डोटेड जो लाइन है, एंड देन अनफोल्ड किया गया है। तो वीव जो स्ट्रिप की है एक के बाद एक दिखा रखी है, कट्स इन दो से शीट के अंदर कट कर रखा है पेपर को, जो दिखा रखा है 3.12 के सी में और 3.12 के डी में, शोन द पैटर्न दिखा रखा है वीविंग करने के बाद हर एक स्ट्रिप का। तो हैंडलूम्स क्या होते हैं, देखो हैंडलूम्स दिखा रखा है। तो इन सिमिलर मैनर, उसी तरीके से दो सेट होते हैं यार्न के जो वो बुने जाते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। तो द यार्न आर मच थिनर, यार्न जो होता है बहुत पतला होता है, देन आवर जो पेपर स्ट्रिप से ऑफकोर्स। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स पे की जाती है, लूम्स एक डिवाइस होता है, तो लूम्स पे की जाती है। तो जो लूम्स होते हैं यार, इधर या तो हैंड से बनाए जाते हैं, या फिर मतलब हैंड से ऑपरेट किए जाते हैं, या फिर पावर ऑपरेटेड होते हैं, जो
जो मशीन होती है। तो नीटिंग क्या होता है? बुनाई। हैव यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है, स्वेटर आर नीटेड, स्वेटर को जैसे बुनाया जाता है, तो इन नीटिंग सिंगल यार्न जो होते हैं इज क्या किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है पीस, फैब्रिक के पीस को बनाने के लिए। तो डायग्राम में दिखा रखा है 3.14 में। तो हैव यू एवर पुल्ड, क्या आपने कभी पुल्ड किया है यार्न को फ्रॉम अ टोर्न पेयर ऑफ सॉक्स से। तो व्हाट हैपन, क्या होता है जब एक सिंगल यार्न होता है उसको खींचा जाता है लगातार, फैब्रिक कैट क्या होते हैं, अनरिवेल्ड हो जाते हैं, हट जाते हैं, निकल जाते हैं वापस। तो जो सॉक्स हैं और मैनी अदर क्लोथ है आइटम है जो बने होते हैं वो नीटेड फैब्रिक से मिलकर बना होते हैं, फैब्रिक में जो नीटेड करते हैं नीटिंग प्रोसेस से। तो नीटिंग क्या है, डन की जाती है हाथ से एंड आल्सो ऑन मशीन पर भी की जाती है। तो अब पहली वांट टू नो, वो जानना चाहती है, इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक, अगर आपने किसी फैब्रिक को देखा है तो दैट आर मेड, जो बने होते हैं फाइबर से, ऑन द आउटर कवरिंग, जो कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है उससे, तो व्हाट आर दीज फाइबर नॉर्मली यूज, ये फाइबर किस लिए यूज होते हैं। तो वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर फैब्रिक्स, फैब्रिक को बनाने के लिए दोनों प्रोसेस यूज होते हैं। तो दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम के लिए इसको यूज किया जाता है। तो 3.6 में हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री बताई गई है। तो हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको पता है कि वट मटेरियल पीपल यूज इन एंशियंट टाइम ऑफ क्लोथ, मतलब क्लोथ को बनाने के लिए वो पहले क्या यूज़ किया करते थे। तो इट अपीयर्स दैट, ये लगता है कि दैट द दोज टाइम, उस टाइम पे जो पीपल होते थे वो बार्क जो होती है, छाल जो होती है और बड़ी बड़ी जो पत्ती होती है पेड़ की उनको, या फिर एनिमल की स्किन को यूज़ करते थे, या उनके फर्स को यानी उनके बाल को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल, जब वो रहने लगे एग्रीकल्चर कम्युनिटी में, तो उन्होंने सीख लिया बुनाई करना ट्विंग्स विद ग्रास से, इनटू मैस, ग्रास से मैट बनाना, बास्केट बनाना, विंस बनाना, एनिमल फ्लीसेस जो होते हैं, हेयर जो होते हैं, और उनको ट्विस्ट करके लॉन्ग स्टैंड बना देना, देयर वर वोवन, इनको फिर फैब्रिक में कन्वर्ट कर देना। तो द अर्ली इंडियंस क्या होते हैं, वर फैब्रिक मेड के से करते हैं, कॉटन से जो उगाई जाती है नियर द रिवर गंगा, गंगा रिवर के पास। तो जो फ्लैक्स होते हैं इज आल्सो अ प्लांट, एक प्लांट है जो गिव्स करता है नेचुरल फाइबर को। इन एंशियंट इजिप्ट, जो इजिप्ट में है, प्राचीन जो इजिप्ट थे, वो कॉटन को एज वेल एज फ्लैक्स को यूज़ करते थे, कल्टीवेट करते थे नियर नील जो नदी है उसके पास, और यूज़ करते थे फैब्रिक को बनाने के लिए। तो इन दोज डेज, उस टाइम पे जो स्टिचिंग होती थी वर नॉट नोन, जानी नहीं जाती थी। तो पीपल सिंपली क्या करते थे, ड्रैप्ड कर देते थे फैब्रिक को अराउंड डिफरेंट पार्ट पे अपनी बॉडी के। तो मैनी डिफरेंट तरीके हैं ड्रैपिंग करने के फैब्रिक को, जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो विद द इन्वेंशन ऑफ द सीइंग नीडल, जो सीइंग नीडल है उसके इन्वेंशन से पीपल ने शुरू कर दिया स्टिचिंग करना। तो जो फैब्रिक है मेक करता है, जिनसे कपड़े बनते हैं, तो इस स्टिच जो क्लोथ होते हैं हैव गोन थ्रू मैनी वेरिएशन होती है उनके अंदर सिंस दिस इन्वेंशन, जो ये जब हुई। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये अमेजिंग नहीं है दैट इवन टूडे, आज भी जो साड़ी होती है और धोती होती है, लुंगी होती है, टर्बन होते हैं, इज़ यूज एज एन अनस्टिचड पीस से बनकर बनी होती है फैब्रिक के। तो जस्ट एज इसी तरीके से देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी है इन द फूड ईटन, जो खाया जाता है ऑल ओवर कंट्री के, उसी तरीके से एक लार्ज वेराइटी होती है, एग्जिस्ट होती है ऑल्सो फैब्रिक्स की भी एंड क्लोथिंग आइटम की भी। तो इसमें आपने क्या पढ़ा, तो कीवर्ड्स जो हमने पढ़े हैं वो कॉटन वूल पढ़ा है, फैब्रिक पढ़े हैं, फाइबर्स पढ़े हैं, निटिंग पढ़ा है जो एक प्रोसेस होता है, स्पिनिंग पढ़ा है जो एक प्रोसेस होता है, वीविंग जो बुनाई होती है वो एक प्रोसेस पढ़ा है, और यार्न जो चीज़ होती है उसको पढ़ा है। तो फाइनली ये चैप्टर क्लोज हुआ। किसी को कुछ चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर समझ में आ गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।